मुरादाबाद के दिल्ली रोड पागबड़ा राजकीय इंटर कॉलेज में 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी विद्यार्थियों के कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगाए गए। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस कैंप में लगभग 300 विद्यार्थियों के टीके लगाने के साथ साथ सबको दवाई का भी वितरण किया गया। कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर सरकार अभियान चला रही है, तो वहीं जनमानस से भी अपील की जा रही है कि सभी इस वायरस की रोकथाम को लेकर भारत सरकार द्वारा जो दवाई तैयार की गई है उसके टीके को लगवाने के लिए आगे आए। सरकार के इस अभियान में लगातार जनमानस द्वारा टीका लगवाने का काम किया भी जा रहा है। गुरुवार को पागबड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आयोजित किए गए वैक्सीनेशन कैंप में विद्यार्थियों द्वारा बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया गया और सभी ने अपने टीके लगवाए। स्कूल के प्रधानाचार्य चंद्रपाल सिंह द्वारा कहा गया कि आज लगभग 300 बच्चों के टीके लगे हैं और जो बच्चे रह गए हैं उन बच्चों का सोमवार को टीकाकरण कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अपील भी की कि जो लोग अभी भी टीका लगवाने से रह गए हैं वे स्वास्थ्य विभाग के कैंप में पहुंचकर वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाने। ये राजकीय इंटर कॉलेज पागबाड़ा है। आज विद्यालय में 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 15 से 18 वर्ष तक के बच्चे, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है और इनको एक दिन की छुट्टी दी जाएगी और कक्षा 10 तक के बच्चों की सरकार ने पहले ही छुट्टी दी है। सर, जो लोग रह गए हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, जो बच्चे रह जाएंगे, आज नहीं आए हैं, उनको हमने फिर निवेदन किया है अपने अस्पताल के स्टाफ से कि वो सोमवार या मंगल को आकर के उनकी वैक्सीनेशन कर दें, ताकि हम उनको बुला लें। आज कितने बच्चों की वैक्सीन लग जाएगी? आज अनुमानित 300 बच्चों की आज लग जाएगी वैक्सीन।